दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल उषा की किरण में। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो रिव्यू लेकर के आया हूं ये है पियागियो आपे LDX वेरिएंट का, जो कि काफ़ी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंट ऑटो है जिसको कि आप कम बजट के अंदर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताना चाहते हैं आपको, इसके सामने मिलती है काफ़ी खूबसूरत हेडलाइट्स विद इंडिकेटर्स और पियागियो आपे LDX की आपको बैजिंग सिल्वर क्रोम फिनिश के साथ में। और दोस्तों सामने की साइड में आपको व्हील के ऊपर काफ़ी अच्छा यहाँ पर सस्पेंशन मिलता है, जो कि इस ऑटो को आपकी ऊंची नीची जगह में ले जाने में सहायक होता है। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको सामने की साइड में 10 इंची के टायर मिलते हैं। और बात करें दोस्तों इस गाड़ी के हम व्हील बेस की, तो हमें लगभग 2100 mm का काफ़ी लंबा व्हील बेस यहाँ पर मिल जाता है। सामने की साइड में आपको 2 रियर व्यू मिरर मिलते हैं और एक वाइपर मिलता है छोटी सी, इसकी सामने की जो विंड स्क्रीन है उसकी क्लीनिंग के लिए। लंबाई की अगर ओवरऑल बात करें तो 3145 की लंबाई मिलती है mm की, और चौड़ाई इसकी आती है 1490 mm की। दोस्तों केबिन के अंदर ड्राइवर को इस गाड़ी को चलाने के लिए सारी की सारी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे कि ड्राइवर इस गाड़ी को आसानी से चला सके और अपने बिजनेस को दिन दूना बढ़ा सके। यहाँ पर दोस्तों ड्राइवर की सहूलियत के लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको एनालॉग रूप से सामने की साइड में शो होती हैं, जिसमें स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है और बाकी अदर इंफॉर्मेशन शो हो जाती हैं। साथ ही दोस्तों इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम अगर आप फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल एक जगह दी गई है, जिससे कि आप उस जगह पर म्यूजिक सिस्टम को फिट कर सकते हैं। साथ ही उसके स्पीकर्स वगैरह लगाने का प्रोविज़न भी इसमें आपको दिया गया है। सेल्फ स्टार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में ये आता है, आपको काफ़ी सारे कंट्रोल मिलते हैं राइट हैंड साइड आर्म पर। और दोस्तों इस ऑटो के अगर मैं माइलेज के बारे में बताऊं तो लगभग 550 kg का ये वेट लेके जा सकता है। और इसका ओवरऑल जो वेट है, यानी कि इसका GVW सकल वाहन वेट जो है 975 kg का है। इन सब के बाद में ये आपको आसानी से 35 से 36 का माइलेज दे सकता है। दोस्तों इस ऑटो की अगर आप टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाते हैं तो आपका माइलेज और भी इंक्रीज हो सकता है। चलिए दोस्तों इस गाड़ी के अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताएं आपको, तो 240 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और चौक वगैरह लगाने की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर 3 लीवर मिलते हैं, एक चौक लगाने का, एक रिवर्स गियर और एक इंजन स्टॉप करने के 3 बटन आपको, मतलब लीवर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों नीचे की साइड में आपको आपका ब्रेक पेडल मिलता है, जिसको कि आप पैर से ऑपरेट कर सकते हैं। और केबिन के अंदर एक छोटी सी आपको यहाँ पर लाइट भी दी गई है, जिससे कि आप नाइट वगैरह के समय में आप इसका यूज कर सकते हैं। और बाकी आप पेपर वगैरह यहाँ रख ही सकते हैं, हालांकि छोटी गाड़ी है, ज़्यादा तो क्या होगा, लेकिन इतनी सारी सुविधाएं भी इस गाड़ी के अंदर दी गई हैं तो वो काफ़ी हैं। यहाँ पर ड्राइवर और एक दो व्यक्ति इस जो ऑटो है इसके केबिन के अंदर आराम से बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो इसकी केबिन के अंदर की बात हो गई। सीट काफ़ी अच्छी मिलती हैं, बैक सपोर्ट वाली सीट्स होती हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में आपको बताएं तो ये ऑटो आपको ऑन रोड लगभग 260,000 रुपये के आसपास कैश प्राइजेस में पड़ जाता है। और अगर आप इसको फाइनेंस वगैरह करवाते हैं तो हो सकता है कीमतें आपकी 3 लाख तक चली जाएं। यहाँ पे आपको 10 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक मिलता है। कई सारे फ्यूल ऑप्शंस में ये ऑटो आता है, डीजल, पेट और CNG और LPG, इस तरह के फ्यूल ऑप्शंस में ये जो ऑटो है अवेलेबल होता है। और सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, नीचे की साइड में जो चेसिस दिया गया वो काफ़ी मजबूत है, जो कि आपके इस ऑटो की काफ़ी सारे पेलोड को ले जाने के बावजूद आपको अच्छा सा यहाँ पर परफॉर्मेंस देने में सहायक होता है। BS4 इंजन हमें मिलता है, रियर माउंटेड इंजन होता है दोस्तों, जिससे हमें 8 HP का पावर मिलता है और 435 cc का यह इंजन होता है। 21 Nm का यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है। मैनुअल आपको यहाँ पर ट्रांसमिशन मिलता है। इंजन की सेफ्टी के लिए पीछे की साइड में यहाँ पर आपको गार्ड भी मिल जाता है, जिससे कि पीछे का कोई भी वाहन है वो आपकी इंजन को डैमेज ना कर सके। तो दोस्तों इस तरह का ये छोटा सा रिव्यू था, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या कुछ और जानना चाहते हैं आप, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। कीमतें थोड़ा वेरी कर सकती हैं दोस्तों, स्टेट वाइज और सिटी वाइज। तो